गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से एक लेसन करवा जा रही हूँ, सेकंड लेसन, जिसका नाम है एक रुपया। प्यारे बच्चों, इस लेख में या इस कहानी में एक बहुत ही महान शख्सियत डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आया है, जो कि एक समाजधारक, लेखक और संस्कृति के महान विद्वान हुए हैं। ये नारी शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न इन्होंने किया और नारी के समर्थन के लिए इन्होंने बहुत मतलब लोगों के खिलाफ जाकर नारी की शिक्षा के और विधवा विवाह के बारे में लोगों को बताया और सुधार करने की कोशिश की। जैसे कि इन्होंने एक विधवा का विवाह जो था अपने इकलौते बेटे के साथ कर दिया। प्यारे बच्चे, इतने महान इंसान की ये जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, पढ़कर देखते हैं। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं जा रहे थे। एक बालक आया और बोला, एक पैसा दे दो। विद्यासागर बोले, यदि मैं तुम्हें एक पैसे के स्थान पर एक रुपया दूँ तो तुम क्या करोगे? बालक ने कहा, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागर ने उसे एक रुपया दे दिया। कई साल बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक ने उनके चरण आकर्ष हुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने एक रुपया दिया था। उससे मैंने फलों की रेड़ी लगानी शुरू की थी और आज मेरी इस बाज़ार में फलों की बहुत बड़ी दुकान है। आप उसे अपने चरण धूलि से पवित्र करें। देखा बच्चों, कितना अच्छा फल मिलता है मेहनत का। अगर वो लड़का जो भीख मांग रहा था उसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक रुपया ना देते तो वो उसका जीवन, जो उसका बचपन था, वो ऐसे ही गुम हो जाता। लेकिन विद्यासागर जो थे बहुत ही महान व्यक्ति थे, उन्होंने वो गरीबों की हेल्प करते थे, जिसकी वजह से ये लड़का एक कामयाब दुकानदार बन सका। ठीक है बेटा, ये हमारी स्टोरी है। आगे हम इसकी अभ्यास करते हैं। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का प्रयास करो। जैसे ईश्वर, ठीक है, इसको ईश्वर को हम हिंदी में भी ईश्वरी कहेंगे। ठीक है, बालक, बाजार, ठीक है, बाजार करेंगे, पवित्र कहेंगे, पैसा कहेंगे, ते रेहड़ी को रेहड़ी बोलेंगे और प्रणाम को प्रणाम बोलेंगे। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्द को लिखो। जैसे भीख है, पंजाबी में होता है भीख और हिंदी में लिखोगे भीख। पैसों की धूल, चरण धूली, ठीक है। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। आपने ना जैसे स और वो है ना, ये बीच वाले शब्द हैं। कोई भी वर्ड बनाना है ना तो श और वो आना चाहिए, जैसे ईश्वर, ठीक है। आगे न, दर, नंद्र, चंद्र, दया, विद्या, ते मोह, मह, तुम्हें, ठीक है। आगे है स, थ, स्थान, क, यो, क्या, पर, तो आगे इक्वल टू प्रणाम, ठीक है। आगे है त्रो, और जो त्रो है उसको पूरा लिख दिया गया है, पवित्र। आगे शब्द अर्थ हैं चरण, चरण को हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, पैर, चरण धूली, पैरों की धूल। प्रणाम, हाथ जोड़कर अभिवादन, ठीक है। पवित्र, स्वच्छ और या शुद्ध भाव से भरा हुआ या सत्य भाव से युक्त। आगे है इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है बेटे। हम पहला क्वेश्चन करेंगे,
बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या मांगा? बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक पैसा मांगा। और दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से क्या कहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से कहा कि यदि मैं तुझे एक पैसे के स्थान पर एक रुपया दूं तो आप क्या करोगे? बालक ने एक रुपये का क्या किया? बालक ने एक रुपये का फलों की रेड़ी लगाई। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? उत्तर है इसका, इस कहानी से ये हमें संदेश मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। आगे है, पढ़ो और समझो। ये को जो भाग है वहाँ पे एक लिखा है, तो ये बहुवचन है, एक उसका आ जाएगा अनेक। ठीक है, रुपया रुपये, पैसा पैसे, दुकान दुकानी, बालक बालिका, युवक युवती। ये जो है बालक बालिका, ये लिंग वचन है। आपने पहले पढ़ना, फिर समझना, फिर उसका आगे बनाना। ठीक है, जैसे बालक बालिका, युवक युवती। आगे है वाक्य बनाओ। प्रणाम, हमें बड़ों, हमें सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, पवित्र, हमें अपने मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। रेड़ी, बालक ने एक रुपये से फलों की रेड़ी लगाई। धूली, उसके चरण धूली से घर पवित्र हो गया। ठीक है, आगे है नए शब्द बनाओ। जैसे पहले नहीं हमने बनाए थे, सर्व, सर्व कोई ऐसा वर्ड दूसरा बनाना है जिससे आश, आदर्श और वो आए, जैसे श्वेता। नंदर, इंदर। सथ, स्थानिक। पर प्राण, प्राण भी बना सकते, प्राण। ठीक है, मतलब त्र, त्रशु। ठीक है बेटा, इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर, हिंदी पंजाबी, रिक्त स्थान और जो भी बैक एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरह से लर्न करना है। टेक केयर।